हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा और आज हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियो ग्लू के बारे में। बट उससे पहले अगर आप हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप एक फोन कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दिल्ली में सिचुएटेड है सेंटर हमारा, 4 लोकेशन पे सिचुएटेड है, पीतमपुरा, साउथ एक्स, द्वारका एंड विकासपुरी। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे जिसे कहते हैं एम्ब्रियो ग्लू। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या एम्ब्रियो ग्लू इस्तेमाल करें या ना करें। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें समझना होगा कि हम नॉर्मली एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे करते हैं। नॉर्मली भ्रूण बच्चेदानी में जब डाला जाता है तो लैब में साइंटिस्ट उसे एक ट्रांसफर मीडिया में रखते हैं। एक लिक्विड होता है जिसमें उसके खाने पीने का सामान होता है एम्ब्रियो के, उस लिक्विड मीडिया में एम्ब्रियो को रखा जाता है और जब कैथेटर में लोड किया जाता है तो थोड़ा सा वो मीडिया, थोड़ा सा एयर एम्ब्रियो लेके यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, उस ट्रांसफर मीडियम में अगर हाइलुरोनॉन नाम के एक कंपाउंड या जैसे हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं की मात्रा अगर ज्यादा हो तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो ग्लू। तो एम्ब्रियो ग्लू एक ट्रेड नेम है एक ऐसे एम्ब्रियो ट्रांसफर मीडियम का जिसमें की हाइलुरोनॉन या हाइलुरोनिक एसिड से उसको एनरिच किया हुआ है। उसमें बहुत सारा हाइलुरोनॉन या हाइलुरोनिक एसिड है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल ट्रांसफर मीडियम। ओके, क्या करता है ये? सो हाइलुरोनॉन या हाइलुरोनिक एसिड आपने बहुत सुना होगा, कॉस्मेटिक्स पे जो लोग बहुत रिसर्च करते हैं उन्हें पता है कि बहुत सारी स्किन क्रीम्स में हाइलुरोनिक एसिड होता है। हाइलुरोनॉन या हाइलुरोनिक एसिड एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में बहुत पाया जाता है। ये बेसिकली सेल्स को, टिश्यूज को जोड़ के रखने का काम करता है और इम्प्लांटेशन के समय भी ये देखा गया है कि जो यूट्रस की परत होती है एंडोमेट्रियम उसके ऊपर बहुत सारा हाइलुरोनिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो एक तरीके से अगर हम एम्ब्रियो को हाइलुरोनिक एसिड वाले ट्रांसफर मीडियम में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके चिपकने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट इसमें एक रिसेप्टर होता है CD44 जो एम्ब्रियो भ्रूण के ऊपर भी होता है और वही रिसेप्टर एंडोमेट्रियम पे भी होता है ना, यूट्रस की परत पे भी होता है। और हाइलुरोनॉन का ये देखा गया है कि हाइलुरोनॉन इन रिसेप्टर से कनेक्ट होता है। तो वही हाइलुरोनॉन का एक मॉलिक्यूल एम्ब्रियो के एक रिसेप्टर से भी कनेक्ट हो रहा है और उधर एंडोमेट्रियम के भी एक रिसेप्टर से कनेक्ट हो रहा है। तो एक तरह से वो एंकरिंग का काम करता है, एक तरह से उसको आप लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि शायद चुपकाने का काम करता है। ठीक है, तो इससे ऐसा लगता है कि शायद प्रेगनेंसी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये तो है थ्योरी, क्या सच में ये काम करता है? तो अभी तक तो स्टडीज बहुत ही अनक्लियर मतलब आधी स्टडीज ये कहती थी कि यस, जिसमें एम्ब्रियो ग्लू इस्तेमाल किया गया उन पेशेंट्स में प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ गए, और कुछ स्टडीज ये कहती थी कि हमने इस्तेमाल किया, आधों में किया आधों में नहीं किया, तो कोई खास फर्क प्रेगनेंसी के चांसेस पे उनको नहीं दिखा। ठीक है, अभी रिसेंटली एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुई है जिसमें 26 स्टडियों को मिला के एक निचोड़ निकाला गया। 26 स्टडीज का पूरा एनालिसिस किया गया और लगभग 6,704 पेशेंट्स का एनालिसिस किया गया और ये देखा गया, मतलब उनमें से आधे पेशेंट्स वो थे जिनका ट्रांसफर एम्ब्रियो ग्लू में डाल के एम्ब्रियो को किया गया और आधे पेशेंट वो थे जिनका ट्रांसफर नॉर्मल जो ट्रांसफर मीडियम होता है उसमें डाल के किया गया। तो यस, ये मेटा एनालिसिस जो कि 2020 की ही है वो ये कहती है कि यस, शायद कहीं ना कहीं एम्ब्रियो ग्लू इस्तेमाल करने से लाइव बर्थ होने के चांसेस थोड़े से बढ़ते हैं। थोड़े से इन द सेंस कि शायद 14 एम्ब्रियो ट्रांसफर आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे एम्ब्रियो ग्लू में एक लाइव बर्थ एक्स्ट्रा पाने के लिए। ठीक है, ये रिसेंट एक मेटा एनालिसिस कहती है, अभी इस पे और बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। बट हाँ, तो किस में हम क्यों नहीं सारे पेशेंट्स में इस्तेमाल कर पाते इसको? क्योंकि ये महंगा है, बाहर से इंपोर्ट होता है, यू नो इट इज एन एक्सपेंसिव थिंग, इट एड्स टू द कॉस्ट ऑफ द आईवीएफ। बट हाँ, अगर किसी का आईवीएफ पहले फेल हो चुका हो या कोई बहुत पुअर प्रोग्नोसिस पेशेंट्स हो, पुअर प्रोग्नोसिस माने कि जिसमें हमें पता है कि चांसेस थोड़े से कम है, मान ली उनकी एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, एज ज्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स एम्ब्रियो ग्लू पहली बारी में भी इस्तेमाल करने का सोच सकते हैं। क्योंकि एम्ब्रियो ग्लू का नुकसान कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि एम्ब्रियो ग्लू इस्तेमाल करने की वजह से कोई परेशानी हो जाएगी या प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएंगे या अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। एम्ब्रियो ग्लू इस्तेमाल करने की वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े शायद बढ़ सकते हैं, लाइक एज आई सेड स्टडीज आर नॉट वेरी क्लियर, पर शायद थोड़े बढ़ सकते हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है।
सिवाय इसके कि जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा इसमें लग जाता है, इसके अलावा नुकसान कुछ भी नहीं है। तो अगर आपका पहले आईवीएफ फेल हो चुका है या एम्ब्रियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से एम्ब्रियो ग्लू के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको इस्तेमाल करने की सोच सकते हैं। आई होप एम्ब्रियो ग्लू के रिलेटेड आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। एंड अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हर ट्यूजडे को, मंगलवार को 12 बजे के करीब हम लोग एक लाइव सेशन रखते हैं जिसमें पेशेंट्स के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो जो भी हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उन क्वेश्चंस को लेके हम उनका आंसर कर सकें। तो आप चाहो तो एवरी ट्यूजडे एट 12 PM यू कैन कनेक्ट विद अस लाइव। यू कैन यू नो सेंड योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी वुड ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।